नमस्कार, फोरसाइट टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद अब तक अलग अलग सरकार के खिलाफ 27 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। आइए जानते हैं एक खास रिपोर्ट। अविश्वास प्रस्ताव की इन दिनों बड़ी चर्चा है। लोकसभा में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस सांसद गौरव गोगाई अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। मोदी अपने पहले कार्यकाल में भी अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर चुके हैं। संसदीय इतिहास में जवाहरलाल नेहरू से लेकर मोदी तक को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा है। लोकसभा में कुल 27 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ है। इंदिरा गांधी ने 10 से ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया। आजादी के बाद 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन एक बार भी सरकार गिरी नहीं, सिवाय मोरारजी देसाई सरकार के। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। पहली बार जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। 23 बार कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। हालांकि 10 साल प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने एक बार भी इसका सामना नहीं किया। 2 बार जनता पार्टी जबकि 2 बार बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 बार, पीवी नरसिम्हा राव के खिलाफ 3 बार, लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ 3 बार, मोरारजी देसाई के खिलाफ 2 बार, जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ 1 बार, राजीव गांधी के खिलाफ 1 बार, अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ 1 बार, नरेंद्र मोदी के खिलाफ 1 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।